नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू सोनी अल्फाजी वैद्य चैनल से आपका अपने चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में ड्राइविंग लाइसेंस के विषय में तमाम जानकारियाँ, नए नियम जो लागू हुए हैं इसके विषय में हम जानकारी लेंगे। अधिकतर लोग कार या बाइक चलाते समय कई बार फेक दस्तावेज दिखाकर भी ट्रैफिक पुलिस को बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेज का रखरखाव किया जाएगा। सरकार ने बयान में कहा है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। यानी अब ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपका हर डॉक्यूमेंट पहले से ही उपलब्ध होगा। आपको ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज की हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक ट्रैफिक अधिकारियों के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। साथ ही सरकार ने कहा, लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा आयोग और निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे समय समय पर अपडेट भी किया जाएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि उसने मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए विभिन्न संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी की है। इसमें मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी और क्रियान्वयन के लिए 1 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से वाहन संबंधी दस्तावेज और ई चालान का रखरखाव किया जाएगा। नए जानकारी के मुताबिक अब आसान हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस का बनवाना। नए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज़्यादा दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी। केंद्र सरकार ने DL बनवाने के लिए नियमों को आसान कर दिया है। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक आधार कार्ड का इस्तेमाल ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस का नवीनीकरण, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, इनमें से जुड़े दस्तावेजों में पता बदलने के लिए होगा। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर अगर बात करेंगे तो 5000 का जुर्माना लगेगा। नए नियमों में इस बात का प्रावधान है कि गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन के लिए इस तरह से किया जाए, वाहन चलाते समय ड्राइवर ध्यान न भटके। हालांकि ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। लाइसेंस संबंधी नई जानकारियों को आपने प्राप्त किया। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।